शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव। चलिए शुरू करते हैं। कुकर लेंगे आलू पकाने के लिए। 6 आलू लिए हैं। हिसाब से पानी डालेंगे। 5 सीटी तक आलू पका लेने। आलू पक चुके हैं, ठंडा करने के लिए रख देंगे। वड़ा का मसाला बनाने के लिए लहसुन, अदरक और मिर्ची लेके मिक्सर में पीस लेंगे। कढ़ाई लेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच सरसों डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, पिसा हुआ अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून चुका है, अभी ठंडा करने के लिए रख देंगे। उबले हुए आलू छील लेंगे। इस तरह सभी आलू छील लेंगे। आलू को तोड़ लेंगे। तैयार किया हुआ मसाला आलू में डाल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। वड़े का मिक्सचर तैयार हो गया, अभी वड़ा बनाएंगे। इस तरह वड़े तैयार कर लेंगे। अरे वड़े तैयार है तलने के लिए। अब बेसन का बैटर तैयार कर लें। 2 कप बेसन लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। दो चुटकी हींग डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। 1 कप पानी लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह बैटर तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, वड़ा फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद वड़ा छोड़ देंगे।
मीडियम आंच पर पका लेंगे। पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। वड़ों को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। वड़े फ्राई हो चुके हैं, अब निकाल लेंगे। इस तरह हमारे वड़े तैयार है। हरे मिर्च लेके कटिंग करके फ्राई कर लेंगे। मिर्ची फ्राई की है वड़े के साथ खाने के लिए। मिर्ची फ्राई हो चुके हैं, अभी प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से नमक डालेंगे स्वाद के लिए। बचे हुए बैटर का चूरा बना लेंगे। चूरा क्रिस्पी होने तक तल लेना है। चूरा फ्राई हो चुका है, प्लेट में निकाल लेंगे। वड़ा पाव की सूखी चटनी बना लेंगे। मिक्सर जार लेंगे, तैयार हुआ चूरा और एक पाव डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 3 लहसुन की कलियां डालेंगे और मिक्सर में पीस लेंगे। इस तरह वड़ा पाव की चटनी सूखी तैयार हो चुकी है। वड़ा पाव सर्व करेंगे। लादी पाव को बीच में से काट लेंगे। तैयार की चटनी पाव के बीच में डालेंगे। तैयार किया वड़ा पाव के बीच में रख देंगे। तली हुई हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।